गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण और अव्यय शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले आप संज्ञा के विषय में पढ़ें। संज्ञा क्या होती है? इससे पहली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है, आज हम फिर से पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, मोर, कुर्सी, दिल्ली, अच्छाई, ईमानदारी आदि। अब व्यक्ति में क्या आ गया? किसी व्यक्ति आए तो व्यक्ति में राम, प्राणी मोर, वस्त्र कुर्सी, स्थान क्या हो गया? दिल्ली। दिल्ली की जगह आप मुंबई बोल सकते हो, कलकत्ता बोल सकते हो, आगरा बोल सकते हो, कोई भी स्थान का। अच्छाई, गुण क्या है? अच्छाई। और भाव क्या है? ईमानदारी। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, मोर, कुर्सी, दिल्ली, अच्छाई, ईमानदारी आदि। आप सबके नेम भी, जितने भी नाम है वो किसमें आते हैं? संज्ञा शब्दों में आते हैं। पुस्तक है, कुर्सी है, पेन है, बेंच है, क्लासरूम की जितनी चीजें हैं वे सब किसमें आती है? संज्ञा शब्दों में आती है। तो आप इसको ठीक से लिखेंगे और लर्न करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो संज्ञा शब्द हैं, उनके स्थान पर जिन शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बार बार हम एक शब्द को न बोल के क्या बोलेंगे? जैसे यह, वह, उसने, जो, तुम, मेरी, मैं, वहां आते। कौन शब्द होते हैं सर्वनाम? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे यह, अब हमने जैसे संज्ञा में राम बोला या किसी व्यक्ति का नाम बोला, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम खाना खाता है। बार बार राम शब्द न बोल के हम राम के स्थान पर वह या उसने, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण शब्द क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द अभी आपने पढ़े क्या होते हैं? उन शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा, बड़ा, हरा, सफेद, छोटा, तेल। कैसे? जैसे ये पेन है, पेन क्या है? किस कलर की है? सफेद रंग की है। तो इस पेन की विशेषता क्या है? यह क्या है? सफेद रंग की है। जैसे ये पुस्तक है, कॉपी है आपकी, ये पुस्तक क्या है? हरे रंग की है। इस कॉपी की क्या विशेषता है? ये क्या है? हरे रंग की है। तो ये क्या है? इसकी विशेषता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, तो वो क्या है? ये क्रिया है। पढ़ना, आप पढ़ रहे हो, वो क्या है? ये क्रिया है। खाना, चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। चलना है, खाना है, दौड़ना है, कोई भी कार्य करना, वो क्या है? क्रिया है। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे चुपचाप, धीरे धीरे, प्यार से, निरंतर आदि। जैसे आप कोई पुस्तक को पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो चुपचाप
चुपचाप पढ़ो, वह क्या हो गया, क्रिया की विशेषता जो बता रहे, क्रिया की विशेषता जो बता रही, वे क्या हो गए, क्रिया विशेषण। तो चुपचाप पढ़ो क्या है, क्रिया विशेषण। धीरे 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 चलो, यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण, चलना क्या है, क्रिया है, धीरे धीरे उसकी विशेष, ठीक है। उसके बाद आते हैं अव्यय शब्द, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, ये जो शब्द होते हैं इनका रूप कहीं पर भी नहीं बदलता है, ये जो के क्यों जैसे शब्द हैं वैसे ही क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे और, लेकिन, इसलिए, कब, क्यों, आदि, इन शब्दों का प्रयोग ऐसे ही होगा, ये कभी भी बदलते नहीं है, ठीक है। जैसे कब आए, कहाँ गए, किस लिए या इसलिए आया हूं, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ऐसे ही जो है प्रयोग होते हैं, इनमें बदलाव नहीं किया जाता। तो बच्चों आप ये सारी परिभाषाओं को क्या करेंगे, गुड हैंडराइटिंग में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।